हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। तो आज फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था। जो अकाउंट है ना, मेन अकाउंट और प्राइमरी अकाउंट और पृथ्वीराज का अकाउंट और बाकी ये दो, उसमें थोड़ा अलग था और बाकी लोगों ने अलग किया है। तो हमने इसमें क्या किया था कि 22,500 का जो स्ट्रैडल था ना, वो सेल किया था और बड़ा स्टॉप लॉस लगा के हम बैठे थे। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये देखो निफ्टी का चार्ट है, ये सीधा ऊपर जा रहा था। तो ऑलमोस्ट हमारी इस लेवल पे एंट्री हो गई थी, उसके बाद देखो सीधा फॉल। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हमारा स्ट्रैडल भी था ऊपर का, ये लेवल का स्ट्रैडल था, पर ये पूरा नीचे गया। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और 0.5% का इसमें लॉस हो गया। ठीक है, आज का दिन ना बहुत ही बुरा था, मोर देन 1% लॉस भी हो सकता था आज, क्योंकि ये आप देख रहे हो मूवमेंट कितने पॉइंट्स की फॉल है। देखो 250 पॉइंट्स की फॉल है बस ये बहुत ही कम टाइम में। तो अगर ऐसा होता है तो नॉन डायरेक्शन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हमने जो डिसीजन लिया है ना और 0.5% का लॉस ले, तो बहुत ही बढ़िया आज हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट है ना इस अकाउंट में, जो मनीवर्स का तो ओवरऑल अभी प्रॉफिट है। इसका रीजन है कि ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर था। देखो ये 50,000 जो बुक हुआ है ना, और स्टोरी पे भी हमने डाला था और दो लॉक पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो इसमें ही हो गया प्रॉफिट। अगर इसका आपको ट्रेड का लॉजिक अगर समझना है तो 2-3 लॉक पहले आप देख सकते हो उसका। और ये प्राइमरी का 9 to 10,000 का लॉस हुआ है और बाकी अकाउंट देखो ये छोटे छोटे लॉसेस है। और विशाल का प्रॉफिट है क्योंकि इसमें भी ई एम ए था, तो ई एम ए में भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया था। और बाकी रोहन का भी छोटा लॉस है और पृथ्वीराज का भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन क्योंकि ई एम ए। वही बाकी लोगों का लॉस देखते या फिर प्रॉफिट देखते। नितेश का देखो 2,800 हो गया लॉस, बहुत ही कम है, पॉइंट ठीक है। तो हेज था वो बढ़ गया, इसके वजह से अच्छा हो गया, नहीं तो 1% लॉस हो जाता ना। 0.67 चल रहा था, एडजस्टमेंट कर रहा था, एग्जिट कर लिया। हाँ, अच्छा नहीं लगा तो एग्जिट कर लिया और हेज होल्ड किया था, इस वजह से हेज बढ़ गया, बहुत ही बढ़िया। और नाना तो आज अकेला करे, अकेले का देखो प्रॉफिट है 5,400 शेयर की तरह, शेयर की तरह दिखाओ जरा, बताओ कैसे हेज हेज लिए। तो हेज बढ़े, फुट जैसे आपने देखा है कि डाउन जैसे हुआ तो हेज बहुत बढ़ गया था, मैंने देखा कि बढ़ गया है तो मैंने कट कर दिया हेज को और उसी में प्रॉफिट। सेल वाले पहले निकले, सेल वाला स्टॉप लॉस लगाया तो हिट हुआ, उसके बाद हेज बढ़े, ठीक है। तो थोड़ा लकीली हुआ है इसमें, नहीं तो आज नॉन डायरेक्शनल की पूरी वाट लगी थी। और मनीष का हो गया है 4,500 लॉस, इसका कुछ लक नहीं था आज, सिस्टम फॉलो की है, कोई बात नहीं, नॉन डायरेक्शनल किया, सिस्टम फॉलो की और हेज भी जल्दी निकाला, तो ठीक था। आज का बहुत ही बुरा दिन था और लास्ट डे था फाइनेंशियल ईयर का, फिर भी अच्छा गया, मतलब आज लॉस तो नहीं हुआ है बड़ा, हमें मेन अकाउंट में तो प्रॉफिट है ब्रेक इवन के आसपास, दूसरा छोटा अकाउंट है उसमें 0.5% से भी कम का लॉस है। एंड ओवरऑल मंथ देखा जाए तो बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड भी हुआ है, प्रॉफिट में एंड हुआ है, मंथ भी एंड हुआ है, टोटल ईयर भी प्रॉफिट में एंड हुआ है। और अभी कल छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो सीधा मार्केट अभी मंडे को ओपन होगा। और अभी हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा, वो भी दिखाते हैं कहाँ पे जा रहे हैं वगैरह। और फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है ना, वो इस व्लॉग के एंड में दिखाएंगे। तो अभी हाँ थोड़ा एक काम है, ब्रोकर के पास जा रहे हैं, ब्रोकर है वहाँ पे, हम थोड़ा सा उन्होंने मिलने को बुलाया, तो आपको डिटेल में बताएंगे एक बार, हमें भी अच्छा लगता है वो ब्रोकर, तो आपके साथ शेयर करेंगे। फुल सर्विस ब्रोकर हैं, बट थोड़े से हम आपके लिए वहाँ पर थोड़ा कॉस्टिंग कम करने की हमने प्रपोजल वहाँ पे दिया है, बिकॉज फुल सर्विस ब्रोकर में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रोकरेज होता है, तो कम अगर करते डिस्काउंट ब्रोकिंग जैसा, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे वो ब्रोकर के डिटेल्स, वहाँ पे अभी आप अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हो, तो वो भी बताएंगे। उसके बाद थोड़ा पार्टी करनी है, पार्टी मतलब हाँ रात को जाएंगे, खाना पीना करेंगे। कौन कौन आ रहा है? आ रहे पृथ्वीराज, हाँ पृथ्वीराज, हम तीनों तो हैं, तीनों ये नितेश, नितेश देखते हैं, देखेंगे नहीं अभी डिसाइड कर लो, आ रहे हो क्या? अभी जाने हमें सच में निकल, प्रॉफिट में पार्टी चाहिए, हां तुझ्याकडून पार्टी पाहिजे भाई, आय का नाही त्या पार्टी, लगेच मी पण सुट्टी टाकतो, येणार आहे बोलले ठीक आहे। नितेश येतोय तुझं? यस यस नहीं खरे सांगा लागत नाही, व्लॉग में नहीं दिखा, व्लॉग में झूठा नहीं दिखा सकते, तो लोग मारेंगे फिर। अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम पुणे के एसबी रोड एरिया में है, अभी पुणे में एसबी रोड करके सेनापति बोपट रोड, वहाँ पे एटीएस ब्रोकर है, तो
तो एटीएस ब्रोकर हमारे पास आए थे और एक डील लेके आए थे, तो अभी उनके ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे हम अगर अच्छा लगता है तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे और आपके लिए भी अगर कुछ अच्छी डील होती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है कि क्या हो सकता है आपके मतलब ऑडियंस के लिए एक अच्छी डील हो सकती है आज? हाँ, ऑलरेडी प्रपोजल दिया था कि 18 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज वो लेंगे, यूजुअली 20 रुपीज का होता है और वो भी फुल सर्विस नहीं होता, पर ये फुल सर्विस विद 18 रुपीज ब्रोकरेज, तो बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। तो आप डिस्कस करेंगे और अगर फाइनल होता है तो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो जीरोदा और अपस्टॉक्स वगैरह ये कौन से डिस्काउंट ब्रोकर है, तो आपको वहाँ पे कितना ऑप्शन पे ब्रोकरेज देना पड़ता है? अराउंड 20 रुपीज पर ऑर्डर रहता है, तो फुल सर्विस में 20 से 30 रुपीज पर लॉट का होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज होता है, बट आपको सर्विस बेहतरीन मिलती है ये डिस्काउंट ब्रोकर से, मतलब जीरोदा अपस्टॉक्स से सर्विस बढ़िया मिलती है। ऑफिस आपके सिटी में होता है, आप अगर कुछ मतलब उनके सर्वर में कुछ इशू आया तो वो पूरा देखते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है। और उसके साथ आपको उनकी रिसर्च टीम होती है, तो आपको जो गाइडेंस वगैरह है वो भी मिलता है। बट एक ही नेगेटिव पॉइंट था कि ब्रोकरेज हाई था, तो हमने क्या बोला कम से कम अपस्टॉक्स, या फिर हमने तो पहले बोला था अपस्टॉक्स और जीरोदा से भी कम कर दो ब्रोकरेज, तो अगर वो होता है 18 रुपये पर ऑर्डर तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, आप भी अकाउंट खोल सकते हो। डिस्काउंट ब्रोकर से भी कम ब्रोकरेज मिलेगा और उसके साथ अच्छी सर्विस मिलेगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और वो कॉल्स वगैरह भी लेते हैं पर वो गाइडेंस पर वो हम सजेस्ट नहीं करते, मतलब उनके लिए पर अच्छा अगर रहता है कॉल्स वगैरह तो लेना है तो देख सकते हो, बैक टेस्टिंग वगैरह करके उसके बाद ले सकते हो। कॉल्स मतलब उनकी रिसर्च टीम होती है, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके पास, इन्वेस्टमेंट के भी आपको टिप्स दे सकते हैं, बस आप गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी आपका दिमाग लगाना है, आपको पूरे उनके भरोसे पे आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अभी 5 मिनट में हम उनके ऑफिस जाएंगे, 5:30 हुआ टाइम यहाँ पे, और हमारे साथ पृथ्वीराज भी है और चैतन्य भी है, तो ये काम होने के बाद थोड़ा देखते हैं, कहीं पर तो जाते हैं खाना पीना करते हैं, थोड़ा सा आज एंजॉय करते हैं बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है अच्छे से, और एक थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप हम करने वाले हैं। लेट्स गो। ऑफिस मस्त लग रहा है। तो इनके ऑफिस में आ चुके एटीएस के। हाँ करते हैं अभी हम आ चुके हैं औंध के एरिया में, पुणे में औंध एरिया है वहाँ पे आ गए, और अभी अभी ब्रोकर से भी मीटिंग हो गई, 2-3 घंटे वहाँ पे गए हमारे, बट अच्छे से डील जो है वो हो गई है आपके लिए। 18 रुपये की जो ब्रोकरेज है वो अभी आपको चार्ज होने वाले हैं, मतलब जीरोदा में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमें 18 रुपीज़ पर ऑर्डर की डील मिली, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है बिकॉज आपका ब्रोकरेज 10% से रिड्यूस होने वाला है। सो बातें क्या हो गया भाई, झटके क्यों दे रहे मॉर्निंग गाइज। तो ये अगला दिन है, नेक्स्ट दिन है, तो कल रात को हम खाना खाने के लिए बाहर गए थे, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड था, तो म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से हमने वो म्यूट कर दिए, और उसके बाद कुछ नहीं, घर पे आए, थोड़ा लेट हुआ था आने के लिए, तो वहाँ पे व्लॉग भी नहीं दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सीधा घर पे आए सो गए, और अभी हम देखो फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं एक मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग है पुणे में, BNI की मीटिंग है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो वो करेंगे आज फ्राइडे, गुड फ्राइडे की छुट्टी है मार्केट को, तो बस वही काम है। और फाइनेंशियल ईयर जैसे कि अभी 31 को ख़त्म होगा, बट हमारे लिए कल ही ख़त्म हो गया बिकॉज ट्रेडिंग का दिन लास्ट था कल का, थर्सडे का, आज छुट्टी है, आज छुट्टी और कल परसों भी छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो लास्ट ट्रेडिंग डे कल था इस फाइनेंशियल ईयर का, तो हो गया फाइनेंशियल ईयर का एंड, प्रॉफिट में हो गया एंड, तो अभी आपको एंड जाते जाते वो प्रॉफिट भी दिखाते हैं, क्या प्रॉफिटेबल है नहीं है, उसके वेरीफाइड लिंक भी डालेंगे, तो अभी एक मिनट आपको दिखाते हैं, ईयरली का प्रॉफिट दिखाते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर का, तो ये देखो ये अकाउंट है दूसरा, सेकंड अकाउंट जो हमने इसी मंथ में ओपन किया था स्टार्ट पे, पर यहाँ पे डेट डाली है देखो 23 मार्च, 1 मार्च से अभी तक, तो उसके पहले तो नहीं था, तो बस एक ही मंथ का ये प्रॉफिट हुआ है 49,000
रियलाइज है और नेट है जो चार्जेस कट होने के बाद 42,000 का ओवरऑल इस अकाउंट में हो गया। तो ये हमारा छोटा अकाउंट है और अभी बड़ा अकाउंट भी दिखाता हूँ लॉग इन करके। बड़े अकाउंट में पूरे साल भर ट्रेड हुए हैं, पूरा फाइनेंशियल ईयर, उसमें कैपिटल भी अच्छी खासी थी, तो उसमें भी देखते हैं कितना गेन है। तो वो लॉग आउट करके अभी दूसरा लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक ये लॉग इन कर रहे हैं। तो आई होप आपको भी अच्छा खासा ईयर गया होगा, अगर गया है तो कमेंट करो कितने परसेंट प्रॉफिट आप निकाल पाए हो। अगर नहीं प्रॉफिट आया तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ट्रेड करते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये साल आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। तो हो गया लॉगिन। तो लॉगिन और ये हमारा मेन अकाउंट है, पहले नाम दिखाओ। तो 1 CR का फंड वाला ये अकाउंट है, अभी इसका प्रॉफिट देखते कितना है इसमें। एक मिनट, नाम, हाँ, मनीवर्स का अकाउंट, मनीवर्स का नाम है। इसके हम वेरीफाइड पीएनएल शेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। तो बस यहाँ पे हम प्रॉफिट दिखाते हैं, अभी पीएनएल में जाने के बाद इक्विटी, इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस और डेट सिलेक्ट करते फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर पूरा अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है। 30 अभी तक 29 मार्च, ये 23 और अभी 24, इसमें देखते कितना ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस है। तो ओवरऑल देखो हमने गेन किया है 33 लाख ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है, और अभी सब कट करने के बाद नेट है हमारा 26.88 लाख। और चार्जेस देखो 6.15 लाख का चार्जेस हमारे गए, तो ये हमारे हाथ में आ गए 26 लाख और दूसरा अकाउंट मिला के ऑलमोस्ट 27 लाख ओवरऑल इस फाइनेंशियल। तो पहले हमारा थोड़ा कैपिटल कम था, अभी थोड़ा बढ़ गया, तो मतलब एक करोड़ फर्स्ट डेट से नहीं था, नहीं था। तो आरओआई वाइज देखा जाए तो ये 1 करोड़ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ राइट, 40% तक बोल सकते, 40-45% आरओआई ईयर का ईयरली आ गया एक बार, है ना। ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है, पर ठीक है। नहीं भाई, बहुत अच्छा है, लोगों को नहीं लगेगा, किस किस मतलब लोगों को कम लग सकता है, बट 45% मतलब अगर दुनिया के। हाँ अच्छा, हाँ। और एक बार इक्विटी का भी देखते ना क्या है, इक्विटी में भी 0.6 लाख प्रॉफिट अभी चल रहा है, वो बुक नहीं है, बुक नहीं है, उसमें प्रॉफिट है, तो आसपास 1.6 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो बढ़िया है। करेंसी कमोडिटी में कुछ नहीं किया, अगर ये यहाँ पे लगाते तो ये देखो कुछ नहीं, एमटी है क्योंकि कुछ नहीं किया, और कमोडिटी का लगाया था, करेंसी का भी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, बस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमारा मेन ट्रेड है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए वो हम प्लेज करके ये ट्रेड करते। जैसे कि आपने देख लिया है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट शो ऑफ या फिर ये करने के लिए नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए, हाँ, कि स्टॉक मार्केट से ऑप्शन से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि ऑप्शन में कभी प्रॉफिट नहीं बन सकता, बट अगर अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो। और ये ऐसा कुछ जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई डबल ट्रिपल कैपिटल, तो ऐसा प्रॉफिट नहीं है, तो वैसा होता भी नहीं है। तो 40-45% के रिटर्न्स आप बोल सकते हो ईयरली, बिकॉज स्टार्टिंग के जो मंथ थे वहाँ पे 1 करोड़ कैपिटल नहीं था, धीरे धीरे प्रॉफिट भी ऐड हुआ और बीच में थोड़ा बहुत हमने ऐड भी किया था, तो वैसे एवरेज निकलता था, थोड़ा निकालते थे। हाँ, सैलरी होते हैं, इसका रेंट रहता है, लाइट बिल, वाईफाई बिल, उसके साथ और क्या क्या चीज़ें होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है हमारे उसके चार्जेस होते हैं, तो वो है। तो ठीक है, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वेरीफाइड लिंक हम डालेंगे इसका नीचे, आप देख सकते हो, एंड ऐसे ही फॉलो करते रहो हमें, और ये कुछ फेक वगैरह नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हम वेरीफाइड पीएनएल दिखाएंगे, आप ओपन करके देख सकते हो हमारा परफॉर्मेंस, और जो जो आप अगर टैप करते हो सिंगल डेट पे तो वो भी दिखता है ना, कि इस दिन में इतना प्रॉफिट, उस दिन में उतना लॉस, वो भी दिखता है, तो वो भी देख सकते हो कब कब प्रॉफिट हुआ है, कब लॉस हुआ है, मैक्स लॉस कब हुआ है, मैक्स प्रॉफिट कब हुआ है, वो भी इसमें दिखेगा पूरा। और अगर फेक ही दिखाना होता तो हमने करोड़ में प्रॉफिट दिखाया होता। हाँ, वो तो दिखा सकते हैं इजीली, एडिट वगैरह कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऐप का अलग ऐप बना सकते हैं, बहुत सारे चीजें अभी हो रही है। और अगर कोई वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखाता तो उसमें भरोसा रखना नहीं चाहिए, अगर प्रॉफिटेबल है तो वेरीफाइड पीएनएल दिखाने में क्या प्रॉब्लम है ना, वो वही नहीं दिखाते।
तो हम पूरा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे डेली का, हमारा हम डेली का भी वेरीफाइड पीएनएल तो डेली दिखाते हैं और डेली के ब्लॉग्स होते हैं उसके साथ वेरीफाइड पीएनएल होता है, तो हो गए अच्छे से रिटर्न। और अगर 40-45% ऐसे कंसिस्टेंटली आप निकाल पाते हो ना तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनका भी एवरेज अगर देखा जाए तो 20-30% के बीच में होता है, तो उनका कैपिटल भी बड़ा होता है, तो जैसे कैपिटल बड़ा होगा थोड़ा आरओआई भी कम होगा, बट हम कंसिस्टेंटली निकाल पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। 3-4 साल लगातार 4 साल हो चुके हैं प्रॉफिटेबल है हम, और ये साल अच्छा खासा आरओआई भी निकला, तो अभी जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी बहुत बढ़िया हम करने की कोशिश करेंगे, अच्छा आरओआई निकालने की कोशिश करेंगे। हमने बीच बीच में गलती भी की है, होते तो नेक्स्ट साल अभी वही गलती नहीं करेंगे, और अभी थोड़ा अपग्रेडेशन भी है जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़े और रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस ईयर, तो वो ट्राई करेंगे, वो हमारा भी गोल है इसका। और थोड़ी बहुत तो गलतियां हो सकती है, बट वो कैलकुलेटेड है, मतलब रिस्क के अंडर कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, और एक हमारा मेन गोल है कि हम ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड करें। आप व्लॉग्स में तो देखते हो कि हमारे साथ लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स हैं हमारे, अभी फ्रेंड भी हो चुके, तो अगर आपको भी ऐसे हमारे साथ ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। और बस ऐसा नहीं होता कि बस वो ट्रेडर्स वगैरह फ्रेंड है और वो ओपिनियन भी दे सकते, मतलब क्या कर सकते मॉडिफिकेशन वगैरह, तो ऐसा ग्रुप डिस्कशन टाइप होता है, डिस्कस करके हम फ्रेंडली डिस्कशन करके हम ट्रेड करते, तो अगर आपको भी आना है तो बिल्कुल आ सकते हो। ठीक है, डिटेल्स जो है ना इंस्टाग्राम के वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फॉलो भी करो, और वहाँ पे अगर कुछ आपको डिटेल जानना है कैसे ज्वाइन करना है क्या है तो मैसेज कर सकते हो, या फिर हम जल्दी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लाएंगे आपके लिए जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज भी ले सकते हैं, अगर लोगों को इंटरेस्ट है बहुत, पर हम अभी उतना ज़्यादा नहीं कर रहे, बिकॉज कैसा होता है कि अगर हम अच्छे से आपको टाइम देते तभी फ़ायदा, तो थोड़ा अभी टाइम का इशू है, तो वो एक बार अच्छे से प्लान करते फिर करते, और अगर आप सीरियस हो ना तो अच्छे से ज्वाइन करके देखो, सीरियस नहीं तो क्या होता है, सीरियस हो तो करो, पर ये देखो पहले कि वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी स्कैम्स ना बाहर आ गए, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर बहुत सारे ऑलमोस्ट जो हम मानते थे उनको बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो फेमस है उनका सब स्कैम बाहर आ चुका है, खुद लॉस में, और अभी वो सिखा रहे हैं, तो आपको क्या देखना है पहले वेरीफाइड लिंक जो वेरीफाइड होता है सब कुछ, वो अगर है तब भी करो ज्वाइन, नहीं तो मुझे नहीं लगता कुछ फायदा है ज्वाइन करके, क्योंकि खुद लॉस में, और आपको क्या सिखाएंगे, मतलब आप भी उनमें पैसे उसमें देंगे और टाइम भी आपका बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अभी व्लॉग को एंड कर देना, व्लॉग को एंड करते हैं, अभी हम जाने वाले वहाँ पे जाते और वो मीटिंग अटेंड करते हैं, और डायरेक्टली अभी आपको मिलते हैं मंडे नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन, और अच्छे से अभी व्लॉग्स में भी थोड़ा हम आपको समझाने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो डिटेल में व्लॉग देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप सपोर्ट थोड़ा सा दिखाओ हमें, अगर सपोर्ट दिखाते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे, तो कमेंट वगैरह करो, लाइक भी करो और शेयर जितना पॉसिबल है उतना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।